अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अलीजान और आप लोग देख रहे हैं हम से जानो। तो आपके घर में आपकी वालदा खुदा ना खासा बीमार है, आपकी बहन की शादी होने वाली है, या आप पे थोड़ा बहुत कोई कर्ज है, या आपने आपका मालिक मकान जो है वो आपको घर से निकालने वाला है, इस तरह के मामला आजकल पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोगों के पास यहाँ पे जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए, बेसिक जरूरियात के लिए पैसे नहीं। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो और एकदम आपके मोबाइल के ऊपर कहीं से कोई मैसेज आ जाए किसी ऐप का कि आपको लोन दिया जाता है, आप इस ऐप से लोन ले सकते, वो भी बगैर सूद के, तो अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो इसी तरह जो लोग परेशान होते हैं, खुदा ना खासा इसकी वालदा बीमार है, या किसी ने बहन की शादी कर रही है, या मालिक मकान को रेंट देना है, या बिजली की नर्क जैसे भर चुके हैं, बिजली का बिल देना है, या कोई भी उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो किसी ना किसी तरीके से इन ऐप्स के झांसे में आ जाता है। जैसे ही आप ये ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जो ये ऐप है ये आपसे परमिशन मांगती है कि आपके जो मोबाइल के अंदर जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उन तक एक्सेस कर सके, और उसके बाद जो ये आपसे परमिशन मांगती है आपकी फ़ोन गैलरी की, तो उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं लगता कि ये लोग ये इस चीज़ की एक्सेस क्यों मांग रहे हैं। तो जैसे ही बंदा जो है एक्सेस देता है, उसके बाद लोन इनके पास आ जाता है, उसके बाद असल गेम शुरू होती है और उसके बाद असल कहानी शुरू होती है। जो गुंडे हैं जिनको उन्होंने पाला हुआ है, वो गुंडे जो है आपको जब आप लोन की किस्त जो है वो नहीं अदा कर पाते, जो सूद है अभी एक्चुअल अमाउंट तो कुछ और है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इनसे 1,00,000 रुपये कर्जा लिया या 50,000 या 22,000, इवन दो लोगों ने 12,000 कर्जा लेके इनको 2-2 लाख तक के जो पैसे हैं वो वापस किए हैं सूद की मद में, और उसके अलावा एक्चुअल अमाउंट दे के हाथ पाँव जोड़ के इनसे जान छुड़ाई है। ये इतना को मुनज़्ज़िम और स्ट्रॉन्ग माफिया है। इसी तरह का केस परसों यहाँ पे हुआ कि इस्लामाबाद के एक शख्स ने खुदकुशी कर ली, और खुदकुशी करने के बाद जो है उसकी जो ऑडियो मंजर आम पर है कि जिस तरह जो इन ऐप का जो एजेंट है, रिकवरी डिपार्टमेंट का बंदा, उसको किस तरह नंगी नंगी गालियाँ दे रहा था, उसकी बहन को फ़ोन कॉल पे लेता है और उसके बाद उसकी बहन के साथ बदतमीजी करता है, उसे कहता है कि हम तुम्हारी तस्वीरें और ये सारा कुछ जो है इंटरनेट पे डाल देंगे, उस आदमी को कहते हैं तो मिल मुझे, मैं तो चमाटे मारूंगा, उसके घर के बाहर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हरास करके और प्रेशराइज सिचुएशन पैदा ऐसी क्रिएट करते हैं कि वो बंदा जो है फाइनली खुदकुशी कर लेता है। तो अगर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी ना किसी तरीके से आपने भी सुन रखा हो उस ऐप्स के बारे में कि ये लोग जो है बगैर सूद के कर्जा दे रही है, या आप किसी परेशानी में मुबतल हैं, तो हरगिज़ इन ऐप के चुंगल में मत आइएगा और इस ऐप को डाउनलोड करके इनसे पैसे या कर्जा जो है वो मत लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप इनके चुंगल में फंस गए तो उसके बाद निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये लोग 30%, 36% और कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि 50% जो है उन्होंने सूद का जो पैसा वो लिया और आपकी एक्चुअल अमाउंट वहीं पे रहती है, और लोग 1.5-1.5 साल से इनको पैसे देने पे मजबूर हैं, क्योंकि उनकी बहनों की तस्वीरें, उनके घर की तस्वीरें, सब कुछ इस माफिया के पास होता है। और जो कि ये बहुत ही मुनज़्ज़म माफिया, और कल को जब FIA, अभी तो वैसे FIA हरकत में आ गई, जैसे ही वो FIA या कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और ये मजीद हरकत में आते हैं, तो ये नेटवर्क जो है कहीं ना कहीं बाहर के मुल्कों तक जाके बड़े बड़े माफिया इसके पीछे आपको मिलेंगे। ऐप का कोई नोटिफिकेशन आता है तो मत इस ऐप को डाउनलोड करें और इससे कर्जा लें। सबसे बड़ा स्कैंडल जो है पाकिस्तान में ये बेनकाब हुआ है, और जो खास करके ये भी बेनकाब नहीं होना था, ऐसे ही चलता रहना था अगर वो शख्स जो है वो खुदकुशी ना करता। खुदकुशी करने के बाद ये चीज़ों ने हाइप क्रिएट की और ये सोशल मीडिया के ऊपर जब इशू उठा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हरकत में आए, FIA भी हरकत में आई, और उन लोगों ने इनके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे जो है छापे मारना शुरू किए इन ऐप्स के, और इनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बरामद करके इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है आगाज कर दिया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मजीद लोग इस चुंगल में फंसने से बच सकें। अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ऐप और इस स्कैम के बारे में पता लग सके। अपना ख्याल रखिएगा।